सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बाय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप साइड बार पे जो है कि अपने फेवरेट जो एप्लीकेशन होते हैं उन्हें आप कैसे लगा सकते हैं, जो ऐप्स होते हैं आपके फोन के जो फेवरेट जिन्हें आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो अगर आप फेसबुक चलाते चलाते या इंस्टाग्राम चलाते चलाते आप उन्हें क्विकली स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब उन्हें लॉन्च करना चाहते हैं, उन्हें यूज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे होम स्क्रीन पर अपने ना पड़े, उन्हें एप्लीकेशन को ना ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट हम उन्हें अपने किसी भी एप्लीकेशन में अगर हैं वहाँ पर यूज कर रहे हैं, किसी को अगर यूट्यूब को ओपन करें तो हम यूट्यूब को ओपन कर लें, या फिर हम किसी वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर उसके बाद मुझे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाना है तो मैं सीधा वहीं से अपने साइड बार में देखूंगा और उस एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और इसमें जो कि प्रोसेस बहुत ही कम होता है, इसमें आपकी लोडिंग बहुत ही कम चलती है, हैंग भी नहीं होगा आपका फोन और लैग भी नहीं होगा और बहुत ही जल्दी स्मूथली काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ले चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं कि किस तरह से जो है कि आप अपने फोन के जो साइड बार होता है वहां पर आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन को कैसे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप साइड बार में जो है अपने फेवरेट एप्लीकेशन को कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी, इस एप्लीकेशन का नाम है साइड बार, इस एप्लीकेशन के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए कुछ स्क्रीन शॉट देखने के लिए मिल जाते हैं कि आप जो कि किस तरह का जो साइड बार लगाना चाहते हैं, इस तरह का लगाना चाहते हैं तो इस तरह का लगा सकते हैं, अगर आपको इस तरह का साइड बार लगाना है तो आप इस तरह के जो कि साइड बार लगा सकते हैं। तो मुझे फेवरेट एप्लीकेशन लगाने कुछ ये दो तीन एप्लीकेशन है तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें भी अच्छा है, इसमें हमें वाईफाई ये सब ब्लूटूथ ये सब हमें यहीं से मिल जाएगा साइड से ही, और कॉन्टैक्ट्स को भी हम यहीं से लगा सकते हैं और ऐप्स को भी इस वाले में लगा सकते हैं। इसमें आपको तीन जो है कि आपको फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि मुझे सिर्फ अपने एप्लीकेशन को लगाना है तो यहाँ पर जो कि नीचे वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं साइड बार, तो पहले मैं सॉरी यहाँ पर हमने ऑन कर दिया और उसके बाद जो कि आपको अभी सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड ए फेवरेट ऐप्स जो लिखा है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर जो कि जैसे कि मैंने अपने फेवरेट एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लिए हैं, इसी तरह से जो कि आप भी अपने फेवरेट एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, उस एप्लीकेशन पर टिक कर देना है, बस आपको एक बार क्लिक कर देना है, उसके बाद ये एप्लीकेशन अपने आप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, उसके बाद अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, या होम स्क्रीन पे आएंगे तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन डॉट दिखेंगे, देखने के लिए यहाँ पर आपको तीन डॉट पर क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद आपके एप्लीकेशन जो है फेवरेट एप्लीकेशन होते हैं वो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आ जाते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी अभी देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन जो कि यूज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो यहाँ जैसे मैं प्ले स्टोर पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा प्ले स्टोर है वो ओपन होना स्टार्ट हो गया और ओपन भी हो गया। तो उसके बाद जैसे मैं प्ले स्टोर पर हूँ, यहाँ पर मैं साइड बार पे क्लिक करता हूँ अपने, और उसके बाद यहाँ से जो है कि मैं किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को अगर ओपन करना चाहता हूँ तो मैं दूसरे एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने म्यूज़िक प्लेयर को ओपन किया तो ये म्यूज़िक प्लेयर फटाफट से ओपन हो जाता है। तो इसी तरह जो कि आप किसी भी एप्लीकेशन को इसी तरह जो कि आप साइड बार में लगा करके उसे फटाफट से यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।